नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम्स किचन एंड लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। तो मैं किस तरीके से मैक्रोनी पास्ता बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसे फटाफट बना सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको कभी आती रही होगी वो नहीं आएगी। एक बार ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप इजीली पास्ता बना सकते हैं। तो ये जो पास्ता है वो जो है मैं रेड ग्रेवी या रेड सॉस पास्ता बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले गैस ऑन किया, उस पर भगोना रखा, उस पर पानी डाला, 4 कप पानी डाला, 2 कप मैक्रोनी पास्ता डाला। जैसे ही पानी गर्म हो गया उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी पास्ता डाला और फिर उसमें टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला। और जब तक हमारा जो है मैक्रोनी पक रही है, और मैक्रोनी जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, पक जाएगी, पकने के बाद मैक्रोनी जो है, मैक्रोनी पास्ता जो है वो डबल हो जाएगा, तो वो उसकी निशानी है पकने की। तो इधर मैं रेड सॉस बना लेती हूँ, यानी कि रेड सॉस ग्रेवी बना लेती हूँ पास्ता के लिए। तो मैंने गैस ऑन किया, उस पर कढ़ाई रखा और उसमें मैंने डाला 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और मैक्रोनी पास्ता या पास्ता, जो भी पास्ता आप बना रहे हैं उसे अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और सरसों के तेल में मैं तो कहूँगी कि ना बनाएं। आप मक्खन में बना सकते हैं, मक्खन में भी बहुत अच्छा बनता है। तो तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ प्याज और टमाटर। तो सबसे पहले 2 बड़ी प्याज लेनी है, उसे कट करना है। कट करने के बाद आपको तेल में डालना है और उसके बाद उसमें डालना है 2 बड़े टमाटर, अच्छे बढ़िया लाल वाले टमाटर आपको डालने हैं। 3 से 4 कली लहसुन भी इसमें डाल दें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर होता है वो पास्ता या चाइनीज़ की कोई भी डिश में बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसमें देख सकते हैं मैंने एकदम बढ़िया रेड वाला टमाटर लिया है, वो भी डाल दिया। और अब इसे मुझे सॉफ्ट होने तक पकाना है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे प्याज और टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी और एकदम इसे फाइन जो है फाइन पेस्ट बनाना है। और इसमें ना थोड़ा सा ओरिगेनो मैंने डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों को जब सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसको पीस लिया। आप देख सकते हैं पीसने के बाद मैंने वापस से रिफाइंड ऑयल डाला और उसमें जो है मैंने ये जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया। और अब इसको अच्छे से मुझे भूनना है और ये भूनने में करीब 2 से 3 मिनट लग जाएगा हाई फ्लेम पे। और इस पे मैं ये डाल दूंगी पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा पास्ता दोनों में ये सॉस आप यूज कर सकते हैं, मैंने वीवा का लिया है, बहुत ही अच्छा होता है इसका, आप ले सकते हैं। और ये मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया थोड़ा सा, करीब 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने पिज्ज़ा पास्ता सॉस भी डाला है। और इसमें मैं केचप भी डाल दूंगी, टमाटो केचप 2 से 3 चम्मच डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया लगेगा इसमें, यानी कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं रेड सॉस ग्रेवी वाला पास्ता बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, जो भी जार में प्याज लगा है वो आप धुल के इसमें डाल सकते हैं। और अब ये देख सकते हैं अच्छे से पक गया। तब इसमें कुछ आप वेजिटेबल्स भी कट करके डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, बीन्स, कॉर्न, जो भी आपको पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूंगी चीज़ स्लाइस, ये देख सकते हैं मैंने चीज़ स्लाइस भी डाल दिया। और मैंने ब्रिटानिया का चीज़ स्लाइस लिया है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जैसा कि अब मेरी मैक्रोनी पक चुकी है तो फट से उसको मैंने छान दिया है पानी में। और जो है एक छन्नी थाली ले लें या एक छन्नी वाली जो टोकरी आती है जाली वाली वो ले लें, उसमें तुरंत ही छाने आप और उसके ऊपर से आप ठंडा पानी डाल दें जिससे वो चिपके ना। तो अब इसमें हम ये मैक्रोनी ऐड कर देते हैं, ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देख सकते हैं मैक्रोनी पकने के बाद डबल हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है, बस उसके बाद ये पक गया। और इसको मस्त गर्मा गर्म खाइए। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है जिससे थोड़ा और कलर अच्छा लगे इसमें। और इसमें ओरिगैनो भी डाल दिया क्योंकि ओरिगैनो पास्ता पिज्ज़ा इन सब में तो बहुत अच्छा लगता है, और बिना पास्ता और पिज्ज़ा इन सब का तो मसाला ही ओरिगैनो है।
तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसे आप सर्व करें और इंजॉय करें। थैंक यू।